संयुक्ता, मैंने प्रेस को तो बोल दिया है, लेकिन उनसे क्या बात करनी है ये तुम जानो। और प्रेस से बात करना मतलब पापा जी के अहम पे चोट मारना। अगर ये बात पापा जी को पता चल गई ना तो इस घर में तूफान आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पापा जी हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि हमें शाबाशी देंगे। संयुक्ता, खुली आंखों से सपने मत देखो, पापा जी तुम्हारे इस काम से कभी खुश नहीं होंगे। आप भी ना गौतम, कसम से सचमुच बहुत भोले हैं। मैं खुली आंखों से सपने नहीं देख रही हूँ, बल्कि मैं अपनी दूरदृष्टि से वो देख रही हूँ जो आप नहीं देख पा रहे। वंश भैया आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उनकी हालत कितनी खराब है, और अगर वंश भैया को कुछ हो जाता है तो मेरा उठाया गया ये कदम पापा जी को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाएगा। मतलब साफ है ना गौतम, जब वंश भैया नहीं रहेंगे ना, तब पापा जी को अपनी इस गलती का एहसास होगा कि उन्होंने अपनी चहेती बहू वैष्णवी की खातिर अपने बेटे की जान के साथ साथ अपनी इज्जत भी गवा दी। एक मिनट, अब क्या हुआ? संयुक्ता, अगर तुम्हारा अनुमान गलत निकला और वंश ठीक हो गया तो? सॉरी गौतम, काश ऐसा हो पाता, लेकिन वंश भैया की हालत इतनी खराब है कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। चलिए नीचे चलते हैं, प्रेस वाले आते ही होंगे। वैष्णवी, वैष्णवी, डैड, मॉम, अरे मेरा बच्चा, तुझे होश आ गया? ये गिर कैसे गया? वंश, पापा जी, पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा जी, वैष्णवी को देखिए ना क्या हो गया है। वैष्णवी को क्या हुआ? मेरी बहू को देखिए जल्दी क्या हो गया। डॉक्टर साहब, दे दिया चेक कीजिए मेरी बहू को प्लीज, क्या हो गया? मुझे लगता है कि ये बेहोश हो गई है। शिंजी, प्लीज एक मिनट, वैष्णवी मुझे आपसे बात करनी है। एक मिनट बच्चे, मैं आइए प्लीज, एक मिनट। हाँ डॉक्टर, बताइए। वैष्णवी, नर्स, प्लीज हेल्प मी। मेरी बात ध्यान से सुनो नताशा, थोड़ी देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तुम्हारा वार प्रेस के सीधे दिल पर, उसकी आत्मा पे होना चाहिए। अपनी आंखों से ऐसी गंगा जमुना बहाओ कि वो सिर्फ तुम्हारी कहानी पे यकीन करें। हाँ, समझ गई ना? क्योंकि हमारी जीत के लिए बस यही सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है। बस कुछ ही देर में वंश के मौत की खबर आने वाली है। हे माता रानी, ये खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आ जाए तो मैं 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। संयुक्ता भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा हुआ तो वैष्णवी तो गई ना काम से। बस बस, तुम अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस ही वैष्णवी के बाहर जाने का रास्ता तय करेगी। ये सब तो तब होगा ना जब वंश की मौत की खबर आएगी, लेकिन जब वंश मरने ही नहीं वाला तो इस तमाशे का क्या फायदा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। मैंने खुद अपने हाथों से उस ग्लूकोज की बोतल में जहर डाला था। जहर अपना असर जरूर दिखाएगा। वो जहर था या अमृत, ये तुम जानो, लेकिन हकीकत ये है कि वंश होश में आ गया है और पूरा परिवार उसके ठीक हो जाने की खुशियां मना रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना तो खुद जाकर देख लो। ये तुमने क्या किया?
एक ऐसे आदमी को काम सौंप दिया जो अनाड़ी नहीं बेवकूफ भी है। अरे इसने तो सचमुच वंश को जहर की जगह अमृत दे दिया, तभी तो दो दिन से बेहोश वंश फिर से ठीक हो गया। पर मैंने तो संयुक्ता जल्दी चलो, प्रेस वाले आ गए। आप चलिए मैं आती हूँ। क्या किया करण? अब हम लोग क्या करेंगे? शांत हो जाओ नताशा। ये समय आपस में लड़ने का नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ होने का है। लेकिन देखो नताशा, समझने की कोशिश करो, बाजी अब भी अपने ही हाथ में है। अब तुम एक काम करो, तुम जाकर वंश से मिलो और देखो कि तुम हालात को कहां तक और कब तक संभाल सकती हो। तब तक संयुक्ता भाभी प्रेस कॉन्फ्रेंस संभाल लेंगी। देखो तुम लोग घबराओ मत, वंश के ठीक हो जाने की खुशी में सब लोग अभी बहुत खुश हैं और कोई भी यहां बहुत देर तक नहीं आने वाला, इसलिए तुम लोग बेफिक्र रहो और अपने अपने काम को अंजाम दो। माता रानी ने चाहा तो जीत हमारी ही होगी। वैष्णवी को बचा लीजिए प्लीज। आप घबराइए मत मिस्टर वंश, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। जब तक वो खुद मुझे पानी नहीं पिलाते तब तक ना तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं पानी का घूट सकती होगी। वंश भैया, वैष्णवी को कोई और नहीं, सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मैं? डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब। ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर साहब प्लीज। ओके एज यू विश। वंश भैया, वैष्णवी ने आपके लिए जो करवा चौथ का व्रत रखा था ना, वो इसने अभी तक नहीं खोला है। क्या? हाँ वंश भैया। वैष्णवी ने चांद निकलने के बाद भी अपना व्रत नहीं खोला था। मैंने इसे बहुत समझाया था लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, बस जिद पर अड़ी रही कि जब तक आपको होश नहीं आ जाता और आप इसे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाते तब तक ये अपना व्रत नहीं खोलेगी। मंच भैया प्लीज आप जल्दी से इसका व्रत खुलवा दीजिए, बस यही इसका इलाज है, लीजिए। व्रत खुलो वैष्णवी, व्रत खोलो। वैष्णवी कोशिश करो, वैष्णवी कोशिश करो। वैष्णवी वैष्णवी
तुमसे अच्छी बीवी कोई हो ही नहीं सकती, और मुझसे बुरा पति और मुझसे कोई हो ही नहीं सकता, से कोई हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दो वैष्णवी, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मैं गुनहगार हूं उस रिश्ते का जिसे आज तक मैंने अपना समझा ही नहीं। वैष्णवी तुम ठीक हो ना? जा रही हो वैष्णवी? अरे वैष्णवी, ये क्या कर रही हो तुम वैष्णवी? वैष्णवी, अब ऐसा नहीं होगा वैष्णवी, मुझे एक मौका दो। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ एक अच्छा पति बनकर और तुम्हारा हम सफर बनकर। दिल से वैष्णवी।
तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ वंश। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वंश, लेकिन वंश मेरा यकीन मानो, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे प्यार के कारण ही किया वंश। इस घर की मान मर्यादा, इस घर के संस्कारों का दायित्व जिस शख्स के कंधे पर है, वही शख्स इस घर की नींव में सेंध लगा रहा है। बताइए संयुक्ता जी, आप किसका नाम लेना चाहती हैं? माता